बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज। बिहारी जी इन समय पाती लिख भेजे कलाम, तीन बात का बंधेज हम किया इस ठाम, हम किया इस ठाम, सो तुम भी कीजियो। प्रणाम जी, प्राणाधार सुंदर साथ जी, कल की चर्चा में हमने सुना कि किस तरह से भैरव सेठ की जागृति हुई है, उनकी जागृति के पश्चात श्री जी कैसे अब्बासी बंदर से निकल के आते हैं, पुनः लाठी बंदर ठट्ठा नगर से होते हुए नलिया और कुछ सुंदर साथ पहुंचते हैं खंबालिया, फिर किस तरह से श्री जी पहुँचते हैं सूरत, और इस बीच बिहारी जी की कृपा से कैसे धारा भाई, राम जी भाई, रूपा और राधा जैसे सुंदर साथ को परमधाम से बिहारी जी बहिष्कृत कर देते हैं, कैसे सूरत में भीम भाई जैसे वेदांत के विद्वान श्री जी के सानिध्यता में आकर चर्चा सुनते हैं और श्री जी पर ईमान लाते हैं, कैसे श्याम भट्ट और गोविंद जी व्यास ये भागवत की चर्चा सुनने के बाद और विशेष रूप से भागवत के 40 प्रश्नों का समाधान गोविंद जी के ही मुख से प्राप्त करने के बाद श्री जी पर ईमान लेकर आते हैं, और ऐसे सुंदर साथ का आगमन देख करके कैसे वहाँ के वल्लभाचार्य मार्ग के लोगों के बीच में वो श्री जी की बुराई करने लगते हैं, उनके लिए एक वाणी अवतरित होता है, वचन विचारो रे मिठड़ी वल्लभाचार्य वाणी। उसके पश्चात अब बिहारी जी ने एक पत्र लिख करके भेजा, बिहारी जी इन समय पाती लिख भेजे कलाम, उन्होंने एक पत्र लिख करके भेजा और पत्र में कहा कि हमने तीन बातों का नियम बनाया है, तीन नियम हमने बनाए हैं और उन तीनों नियमों का पालन हम यहाँ पर कर रहे हैं, नौतनपुरी में कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि उन तीनों नियमों का पालन तुम भी कराओ, सो तुम भी कीजियो। ये बात बहुत सीरे, ये जो बात है वो बहुत ही बड़ी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन नियमों का पालन तुम्हें भी करना चाहिए। और वो तीन नियम कौन कौन से थे, तो उन्होंने सबसे पहला नियम बनाया कि एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तारतम, उन्होंने कहा कि छोटी जाति के लोगों को, नीच जाति के लोगों को तारतम ज्ञान नहीं देना है। दूसरा नियम बनाया कि जो विधवा स्त्री हो उस स्त्री को भी तारतम ज्ञान नहीं देना है, दीक्षा नहीं देनी है। और तीसरा नियम ये बनाया कि मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई भी तारतम ज्ञान नहीं दे सकता, हम दोनों को ही अधिकार है तारतम देने का, परमधाम की चर्चा करने का। अब इन तीनों नियमों को सुन करके श्री जी ने उनका जवाब लिख करके भेजा पत्र में, और उन्होंने कहा कि बिहारी जी महाराज, सदगुरु धनश्री देवचंद्र जी ने हमें जो राह दिखाई है उसमें तो कहीं पर भी जातिवाद का दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं है, उन्होंने तो जाति के भेद का सिर बांध दिया था, अर्थात तो उसको सिरे से नकार दिया था। और फिर श्री जी ने उदाहरण भी लिख करके भेजा कि एक खोजीबाई नाम की स्त्री थी, वे तो मुसलमान भी थी और विधवा भी थी, छोटी जाति की भी थी और ऊपर से विधवा भी थी, लेकिन उनके अंदर परमधाम की रई बाई की आत्मा जान करके सद्गुरु महाराज ने उन्हें तारतम ज्ञान दिया। तो आपके पहले दो प्रश्नों का समाधान तो एक ही उदाहरण में सद्गुरु महाराज ने उसका समाधान कर दिया है, खोजीबाई को तारतम दे करके। और रहा तीसरे प्रश्न का सवाल, तीसरे नियम का, कि आपके और मेरे अलावा और कोई तारतम नहीं देगा, तो उन्होंने कहा कि ये जो परमधाम की लीला है,
परमधाम का जो ज्ञान है इसको संसार में हमें सभी ब्रह्म सृष्टियों तक पहुंचाना है, अर्थात सभी ब्रह्म सृष्टियों की जागृति करनी है, जागनी करनी है। और इतने बड़े संसार में आप तो नौतनपुरी छोड़ करके बाहर निकलने वाले नहीं है, आपको तो हमने पहले भी कहा था कि जागनी के लिए बाहर निकलिए, लेकिन आपने मना कर दिया, आपने कहा कि सद्गुरु महाराज ने ये सिखाया नहीं हमें। तो आप स्वयं तो जागनी करेंगे नहीं, और एक अकेले तन से कभी भी जागरी नहीं हो सकती। अगर केवल दो ही लोग तारतम्य ज्ञान सुनाने लग जाएं तो इस संसार में जो हमारा दावा है, सद्गुरु महाराज ने जो हमें बताया कि सभी ब्रह्म सृष्टियों की जागनी करनी है, विशेष रूप से शाकुंडल शाकुमार की जागनी करनी है, और परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां तो चारों वर्णों में उतरी है, तो उन तक अगर हमें पहुंचना है तो कोई एक व्यक्ति जागनी करे अथवा दो लोग करें ये संभव नहीं है। इसके लिए तो जिसको भी तारतम्य ज्ञान प्राप्त होता है, तारतम्य ज्ञान के प्राप्त होने के बाद सभी उसको देने के अधिकारी बन जाते हैं, सबके पास ये अधिकार है कि वो दूसरों को प्रबोधित करे, दूसरों को जागृत करे। उन्होंने कहा, सोई लिखी वेद पुराण में जहाँ भक्त प्रकट हुई तिनकी जात पात न देखिए, ए वैकुंठ वालों की राह सोई। इस संसार में परमधाम की जो राह है वह तो बहुत ही ऊंची है, लेकिन संसार में जिनको हम वैकुंठ के राही कहते हैं, जो नौधा भक्ति को मानने वाले अनुयायी है, उनके भी ग्रंथों में ये बात लिखी गई है कि भक्त जहाँ पर प्रकट होते हैं उनकी संसार की जाति नहीं देखी जाती है। जैसे एक ऋषि हुए, उनका नाम था सत्यकाम जाबाली, उनके कुल का कोई पता ही नहीं, किसके पुत्र हैं ये भी पता नहीं, लेकिन फिर भी वे ऋषि कहलाए। विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन अपनी तपस्या के बल पर, अपनी साधना भक्ति के बल पर वे ब्रह्मर्षि कहलाए। कश्यप ऋषि मल्लाहों के कुल में उत्पन्न हुए थे, जिसको हम माझी कहते हैं, जो नाविक मछुआरे होते हैं उनके परिवार में कश्यप ऋषि का जन्म हुआ था। इसी तरह से ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं जिसमें हमें इस बात का पता चलता है कि जिस जगह पर, जिस घर में, जिस परिवार में भक्त जन्म लेते हैं उनकी जाति नहीं देखी जाती है। जैसे प्रहलाद, वो तो राक्षस के कुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन राक्षस के कुल में उत्पन्न होने के बावजूद भी उन्हें भक्तराज कहा जाता है। और यहाँ बात केवल भक्तों की नहीं है, वैकुंठ वालों की राह बता रहे हैं, तो हम वैकुंठ के ही उदाहरण से देखते हैं कि विष्णु भगवान भी विभिन्न कुलों में जन्म लेते हैं, विभिन्न कुलों में अवतार ग्रहण करते हैं। किसी जन्म में, किसी अवतार में वो ब्राह्मण के घर में जन्म ले रहे हैं वामन अवतार के रूप में, किसी जन्म में वो क्षत्रिय के घर में जन्म ले रहे हैं राम अवतार के रूप में, और कभी ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न होकर के जमदग्नि के यहाँ पर परशुराम के रूप में उत्पन्न होते हुए भी क्षत्रियोचित कर्म कर रहे हैं, और कभी यदुवंश में उत्पन्न होकर के लीला कर रहे हैं। तो अलग अलग कुलों में वे उत्पन्न हुए हैं, तो उनकी जाति नहीं देखी जाती है। आगे कहते हैं, साथ सबे उतरियो चारों वर्णों माही, ए बंधेज बांधे से होए अकारज ताही। अगर हम ये बंधन बांध देते हैं कि नीची जाति के लोगों को तारतम नहीं देना है, तो इस बंधन के चलते जो ब्रह्म सृष्टि अलग अलग वर्णों में आई है, अगर इस हिसाब से देखा जाए, वैसे भी अगर उनकी ही बात को मानते और छोटी जाति के लोगों को तारतम नहीं देना है ऐसा कहते, तो जाति की दृष्टि से देवचंद्र जी का जो तन है वह तो कायस्थ परिवार में उत्पन्न हुआ है, मिहिर राज जी क्षत्रिय वर्ग में उत्पन्न हुए हैं। तो वैसे देखा जाता लौकिक हिसाब से बिहारी जी स्वयं सोचते उन्हें फिर उच्च कुल के लोगों को तारतम्य देने का कोई अधिकार ही नहीं होता। इसीलिए जातिगत जो बंधन है, वैसे हम कल की चर्चा में भी इस विषय में बहुत गहराई से चर्चा कर चुके हैं कि जाति की जो व्यवस्था है वो जन्मना न होकर के कर्म के आधार पर होने चाहिए। अब इन सब बातों का जब जवाब दे करके भेज दिया बिहारी जी के पास,
और साथ में कलश की किताब भी भेज दी। और जैसे ही बिहारी जी ने पत्री देखी, उस चिट्ठी को, फिर बाद में कलश पढ़ा। कलश में तो ये लिखा कि इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेमे खेलाऊं रंग। सुख लेऊं सुख देऊं सुखे जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई अपने हाथ। अब उसमें तो सारी शोभा इंद्रावती जी को दे दी गई है। अब बिहारी जी ने जैसे ही वो पत्र पढ़ा, कलश को, तो उन्होंने कहा ये कलश नहीं, क्लेश है, मैं इसको नहीं मानता, मैं कलश की वाणी को नहीं मानता। और फिर पत्र लिख करके भेजा कि जब तुम्हें मेरी कोई भी बात नहीं माननी है, तो फिर आज से तुम्हारी और मेरी राह अलग है, तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। और मैंने तो तुम्हें तुम्हारे शब्दों से ही पहचान लिया। कहते हैं हम तो तुमको चिन्हया तुम्हारे माहे कलाम, तुम्हारे शब्दों से ही, कलश की वाणी जब पढ़ी, कहते हैं तुम्हारे शब्दों से ही हमें तुम्हारी पहचान हो गई। तुम नहीं हमारे साथ में, हम काढ़ें तुम्हें इस धाम, हम तुम्हें परम धाम से ही निकाल देते हैं, तुम हमारे साथ ही, तुम हमारे सुंदर साथ नहीं हो। क्योंकि अगर तुम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होती, तो जिनको हमने परम धाम से निकाला था, उनको तुम वापस क्यों शामिल करते सुंदर साथ में। हम जिन साथ को काढ़िया, क्यों तिनको लिया बीच दिन, तो इत तुमको हमारा छूट गया आकिन। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा हमारे पर से विश्वास उड़ गया है, और जब धाम धनी पर ही जिसका विश्वास नहीं है, वो कैसी ब्रह्म सृष्टि, इसलिए हम तुम्हें परम धाम से निकाल देते हैं। इस तरह की पाती लिख करके भेजी। तब श्री जी ने विचार किया कि हमने तो सिर्फ सद्गुरु महाराज का ही उदाहरण लेकर के जवाब लिख कर भेजा था, बिहारी जी को ऐसे शब्द नहीं लिखने चाहिए थे। और ऐसे जो काम है कि हर किसी को सुंदर साथ से बहिष्कृत कर देना, समाज से बहिष्कृत कर देना, ये सुंदर साथ की, परम धाम की, ब्रह्म सृष्टि की रीति नहीं है। कहते हैं एक काम नहीं सयन, ये ब्रह्म सृष्टि का कार्य नहीं है, ब्रह्म सृष्टि की रहनी नहीं है। ब्रह्म सृष्टि के लिए तो कहा जाता है कि साफ दिल सुहागनी कबहू न दुखावे किन, ब्रह्म सृष्टि कभी किसी दूसरे का दिल नहीं दुखाती। और बिहारी जी एक ऐसे हैं जिनका हृदय कभी नहीं पसीजता, उनका दिल कभी नहीं पिघलता। अब सब सुंदर साथ ने मिल करके, क्योंकि इस पाती की खबर सब तक पहुंच गई थी सूरत में, सब ने मिल करके मसलहत किया, विचार विमर्श किया, और आपस में बातें करने लग गए कि श्री देवचंद्र जी की गादी पर तो बिहारी जी विराजमान है, लेकिन श्री देवचंद्र जी कहाँ विराजमान है, वे किसके हृदय में विराजमान है, हमें तुलना करके देखने की आवश्यकता है। क्योंकि ब्रह्म सृष्टि करती क्या है, सोई सुहागिन धाम में जो करसी इतरोसन, तौल मोल दिल माफक देसी सुख सबन। ब्रह्म सृष्टि तुलना करती है, मूल्यांकन करती है, और किस चीज की तुलना करती है कि राज्य का आवेश कहाँ पर लीला कर रहा है, और ब्रह्म सृष्टि की रहनी कैसी होनी चाहिए। राज्य का आवेश जहाँ जिस हृदय में बैठ करके लीला करता है, उसकी रहनी कैसी होनी चाहिए। अब सुंदर साथ ने भी कहा तुम तौल देखो, ये तो दोनों ने बिहारी जी और श्री जी दोनों की रहनी की तुलना की। अब सुंदर साथ ने निर्णय लिया और श्री जी के पास आकर के कहते हैं कही ए श्री जी साहेब जिसों, तुम लेओ हक सिर काम, राज्य के कार्य को आप अपने सिर के ऊपर लीजिए। अपने सिर ऊपर लेने का तात्पर्य यह है कि उसकी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ले लीजिए, और सुंदर साथ को जमा करने की, सुंदर साथ को जागृत करने की जो सेवा है वो आप ले लीजिए। क्योंकि आज दिन तक कोई भी बिहारी जी के माध्यम से राज्य पर ईमान लेकर के नहीं आया है, और बिहार जी के द्वारा राज्य की चर्चा सुनकर के किसी को भी उनकी पहचान नहीं हुई है। और उल्टा बिहारी जी तो क्या करते हैं, जिनको तुम समझाए के भेजत हो उन तरफ, सो विकार पाए के खाए आवत सब सक। कोई नया सुंदर सा जाता भी है तो बिहारी जी की रहनी को देख करके उसको तो और संशय आता है कि ये जिनको धामधनी कह रहे हैं और जिनको परमात्मा कह रहे हैं, राज्य कह रहे हैं, जब उनकी ही रहनी ऐसी है, तो फिर इस संप्रदाय में अथवा इस मान्यता को हमें क्यों मानना। इसलिए उन्होंने हमेशा सुंदर साथ को तोड़ने का ही कार्य किया है। अब कहते हैं अब तुम क्या देखत नजर करो तरफ धाम,
आप परम धाम की तरफ नजर कीजिए, दृष्टि कीजिए, मूल स्वरूप को याद कीजिए और मूल स्वरूप का आदेश मान करके आप इस कार्य को अपने सिर ऊपर लीजिए, अपनी जिम्मेदारी पर लीजिए। अब सबसे आगे भीम भाई आए, भीम भाई अग्रगण्य बने और अब उन सभी सुंदर साथ की बात मान करके पत्र लिख करके भेजा कि बिहारी जी महाराज, ये बहुत अच्छी बात है आपने हमारे ऊपर कृपा की कि हमें आपने सुंदर साथ से बहिष्कृत कर दिया। अब राज्य का जो काम है, जागनी करने का जो काम है, वो जो सेवा है, हम अपने सिर पर ले लेते हैं। हमें किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि अगर हम व्यक्तिगत स्वार्थ से दौड़ रहे होते, कहते हैं जो हम स्वार्थ को दौड़ करेंगे इत तो सीधा कबहू न होएगा, हम जाएंगे तित। कहते हैं कि अगर हम लौकिक स्वार्थ से स्वार्थ के वशीभूत होकर आगे बढ़ते हैं, कोई भी कार्य हम स्वार्थ के वशीभूत होकर कर रहे हैं, तो वो कार्य कभी भी सिद्ध नहीं होगा। लेकिन हम तो वैसा नहीं कर रहे हैं। जितने भी सुंदर साथ जागनी के राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं, ब्रह्मवाणी का विस्तार करना चाहते हैं, राज्य की बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, हम सब सुंदर साथ को भी ये शिक्षा, ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि हमें ये कार्य स्वार्थ के वशीभूत होकर के नहीं करना है। अगर निस्वार्थ भावना से करेंगे, वाणी में एक चौपाई जिसमें सभी ब्रह्म सृष्टियों के लिए एक अधिकार राज्य ने दे दिया, कहते हैं जो मेरी सुध दियो औरों को तित चले तुम्हारा हुक्म। तुम जिनको मेरी सुध दे दोगे उनके ऊपर तुम्हारा हुक्म चलेगा, तुम्हारा आदेश चलेगा। अगर लौकिक दृष्टि से देखते हैं, मिहिर राज जी के पास लौकिक संपदा कुछ भी नहीं है, न उनके पास धन है, न वो संसार में किसी उच्च पद पर विराजमान है, फिर भी बड़े बड़े ज्ञानी, उस समय के बड़े बड़े साधु संत महात्मा आचार्य, बहुत बड़े बड़े सेठ साहूकार, चाहे लालदास जी हो, चाहे भैरव सेठ हो, ऐसे सेठ आते हैं, गोवर्धन जी जैसे, आगे जो चल करके देखेंगे कि भाव सिंह जैसे राजा, फिर पन्ना में पहुँचते पहुँचते महाराजा छत्रसाल जी, ये सभी श्री जी के चरणों में आए किस लिए? लौकिक उपलब्धि को देख करके नहीं, और श्री जी का कोई भी लौकिक स्वार्थ तो नहीं है, उनका सिर्फ यही लक्ष्य है कि ब्रह्म सृष्टियों की जागृति हो। तो इसलिए निस्वार्थ भाव से महामति जी सेवा कर रहे हैं, राज्य की सेवा मान करके, ब्रह्म सृष्टियों की सेवा मान करके, तो महामति जी को सबसे बड़ी शोभा, सबसे बड़ी खिताब मिले। इसलिए यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं कि अगर हम लौकिक स्वार्थ से दौड़ेंगे तो कभी भी हमारा लक्ष्य सिद्ध नहीं होगा, लेकिन अगर राज्य के कार्य को करने के लिए सेवा भावना को सिर पर लिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता। इस तरह का जब जवाब दिया और कहा हम तो कमर बांधी श्री निज धाम के काम, अब हमने परम धाम के कार्य के लिए, निज धाम की राज्य की सेवा के लिए कमर बांध लिया है, अर्थात हमने पूरी तरह से तैयारी कर ली है, ऐसा पत्र लिख करके श्री जी ने भिजवाया बिहारी जी के पास। अब इसी समय क्या हुआ कि लक्ष्मण सेठ जी, लालदास जी जो ठट्ठा नगर के थे, उनके साथ एक घटना घटित हुई। अभी तक ज्ञान दृष्टि से जागृत हो चुके हैं, श्री जी के स्वरूप की भी पहचान है, लेकिन माया उनसे छूटी नहीं है, माया को अभी छोड़ नहीं पाए हैं। अब पहचान होने के बाद भी अगर माया छूट नहीं पाती है तो राज्य क्या करते हैं, इस प्रसंग से हमें शिखापन मिलती है। जब तक पहचान नहीं है तब तक तो कोई बात नहीं, वाणी में राज्य ने कहा जब लग भूली वतन तब लग नाही दोष, जब जागी हक इल्मे तब भूली सिर अफसोस। तो जागृति से पहले अज्ञानता की अवस्था में किए गए कर्मों का दोष नहीं लगता है, उसकी हांसी नहीं होगी, लेकिन जागृत हो जाने के बाद भी, राज्य की पहचान हो जाने के बाद भी अगर
वही पुरानी शैली में पुरानी जीवन शैली को हम अपनाते हैं और माया के ही कार्य में लगे रहते हैं, तो फिर हमें वाणी में कहा चाहे हंसते हुए लो चाहे रोते हुए, लेकिन सबको लेना तो पड़ेगा। अब हंसते हुए तैयार नहीं हुए थे, माया को छोड़ नहीं पाए थे, तो श्री राज जी की कृपा ऐसी हुई। कृपा ही है ये, क्योंकि अगर ये कृपा नहीं हुई होती, कैसी कृपा हुई? ऐसा कहा जाता है कि 99 जहाजों से लालदास जी का व्यापार चला करता था और एक ही रात में ऐसा तूफान आया, ऐसा समुद्री तूफान कि सारे के सारे जहाज एक साथ डूब गए। अब सारा का सारा व्यापार चौपट हुआ। अब व्यापार में क्या होता है कि कई बार किसी से कर्ज ले रखा होता है, किसी को दे भी रखा होता है, अगर कोई व्यक्ति बहुत अमीर होता है लेन देन का काम चलता ही रहता है। अब जब भी आपदा आती है तो ऐसी अवस्था में जिनसे हमें लेना होता है हमने, वे तो गायब हो जाते हैं, ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे खरगोश के सिर से सिंह, और जिन्होंने हमसे लेना होता है वो भी हमारे लिए वैसा ही सोचते हैं जैसा हम उनके लिए सोचते हैं जिनको हम जिनसे हमने लेना होता है, तो वो सोचते हैं कि कहीं ये गायब ना हो जाए खरगोश के सिंह की तरह, इसलिए वो दौड़े दौड़े भागे भागे आ जाते हैं। तो जिन्होंने लेना था लालदास जी से, ऐसे लेनदार आए और कहा कि अब हमें दीजिए। उनको लगा कि लालदास जी भाग जाएंगे हमारा धन लेकर के, हमारी संपत्ति लेकर के। अब लालदास जी क्या करते, उनके पास कोई उपाय नहीं था। उन्होंने उनकी जो अचल संपत्ति थी, जमीन और घर इत्यादि, वही उनको सौंप दिया कि अब मेरे पास जो कुछ है ये वही है, इसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये आप लोग रख लीजिए। और ये सब उन लोगों को सौंप करके सब परिवार अपना सब कुछ छोड़ करके, मतलब राज्य ने छुड़ाया और वहाँ से चल दिए। अब मैं एक बात कह रहा था कि अगर राज्य की ऐसी बातिनी मेहर नहीं हुई होती तो लक्ष्मण सेठ महामती लालदास नहीं बन पाते। आज हम उनको इस तरह से याद करते हैं कि उन्होंने, उनके द्वारा बीतक ग्रंथ का अवतरण हुआ तब भी हम उनको श्रद्धा से याद करते हैं। जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक जितने भी सुंदर सात बीतक पढ़ेंगे, बीतक का श्रवण करेंगे तो श्री लालदास जी को याद करेंगे, जब दिल्ली का प्रसंग सुनेंगे तो उनके समर्पण को याद करेंगे। अगर ऐसी बातिनी मेहर नहीं हुई होती तो उनको ये शोभा, ये खिताब नहीं मिल पाती। इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं जिनको महामती की शोभा मिली है, महामती का खिताब मिला है, लेकिन लालदास जी को ये खिताब मिला, ये शोभा मिली, तो ये राज्य की मेहर हुई। अब लालदास जी अपने परिवार के साथ में ठट्ठानगर से निकले हैं और ये प्रण लेकर के निकले हैं कि जब तक मैं धामधनी के दर्शन नहीं कर लूँगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। अब उन्होंने जब श्री जी के पास पहुंचे तो अब देखने से ही पता चल जाता है कि किसने भोजन ग्रहण किया है किसने नहीं किया है। अब जब सुंदर साथ ने उनको भोजन के लिए आग्रह किया, निवेदन किया, तो उन्होंने कहा कि मेरा नियम है, मैंने ये प्रण रखा है कि जब तक मैं धामधनी का दर्शन नहीं कर लेता नौतनपुरी जा करके, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो सुंदर साथ ने कहा कि धामधनी की लीला अब यहाँ से चल रही है, उनके ऊपर, बिहारी जी के ऊपर राज्य की कोई भी मेहर नहीं है, कोई भी कृपा नहीं है, राज्य की लीला तो इस तन से चल रही है अभी, इसलिए आपने जो प्रण किया है, आपने प्रण किया है धामधनी के दीदार करने का, तो यही धामधनी श्री राज्य की लीला इसी तन से चल रही है। तो अब लालदास जी यहाँ से श्री जी के पास आए हैं, अब यहाँ से हमेशा अंतिम समय तक साथ में ही चलते हैं, और जो अन्न जल ग्रहण न करने का नियम था अब राज्य जब प्रत्यक्ष मिल चुके हैं तो उस नियम को भी यहाँ से तोड़ देते हैं। अब वहाँ जब श्री जी चर्चा कर रहे हैं सूरत में, क्योंकि 17 महीने वहाँ पर रुकते हैं, तो वहाँ के जो वल्लभाचार्य मार्ग के लोग थे उन्होंने एक अफवाह, एक भ्रम, एक झूठी बात फैलाई कि ये जो धर्म है ये
ऐसा धर्म पैदा हुआ, कहते हैं धर्म उंदरियो पैदा भयो पांव बांधत घुघरी। राज्य की ऐसी लीला हो रही थी कि जब सूरत में सुंदर साथ भोग लगाते थे राज्य को, तो कभी कभी आड़ी का लीला हुआ करती थी। राज्य दर्शन देते थे और हर बार अलग अलग रूप में, वाणी का कथन है, जाको दिल जिन भांत सो तासो मिले तीन विध, मन चाहिया स्वरूप होए के कारज किए सब सिद्ध। अगर किसी को ब्रज वाला स्वरूप देखने की इच्छा है तो बाल रूप में दर्शन, किसी को रास का स्वरूप देखने की इच्छा है तो उसी रूप में दर्शन होता है, अगर किसी को श्री देवचंद्र जी का दर्शन करना है उसी रूप में दर्शन होता है, किसी को मूल स्वरूप का दर्शन करना है तो उसी रूप में। अब इसी क्रम में अगर किसी दिन बाल रूप में ब्रज वाले स्वरूप में राज्य दर्शन देते हैं तो वहां पर घुंघरू बंधे हुए हैं कृष्ण जी के पांव में, तो उसकी आवाज सुंदर साथ को सुनाई पड़ती है और इस आड़ी का लीला की खबर जब लोगों तक पहुंची तो उन वल्लभाचार्य मार्ग के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि धर्म उंदरियो पैदा भयो। उंदरियो मतलब गुजराती में चूहे को कहते हैं, चूहा। और इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो निजानंद संप्रदाय के अनुयायी हैं ये चूहे के पांव में घुंघरू बांध देते हैं और फिर छोड़ देते हैं पर्दे के पीछे, और जब चूहे चलते हैं ये लोग कहते हैं कि कृष्ण जी ने दर्शन दे दिया है, और बार बार अपनी प्रशंसा करते हैं कि कृष्ण जी यहाँ दर्शन देते हैं और भोग ग्रहण करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं, ये तो चूहे के पांव में घुंघरू बांध देते हैं, थाल धरते हैं ये, क्यों भोग लगाते हुए क्या करते हैं, राज्य के आगे थाल धरते हैं ऊपर से पर्दा कर देते हैं ना, तो ये कहते हैं कि थाल धरते हैं पर्दा कर देते हैं, फिर पीछे से कोई चूहा छोड़ देता है, और चूहा जब पग में घुंघरू बंधे हुए चूहे के, तो जब भी चूहा इधर उधर दौड़ता है घुंघरू के बंधने की आवाज सुनाई पड़ती है, ऐसा अफवाह उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया। अब बहुत सारे लोग थे जो निंदा कर रहे थे, लेकिन जितने भी निंदक थे उन लोगों को जब भागवत के प्रश्न पूछे जाते थे, जो 40 प्रश्न लेकर के आए थे गोविंद जी, तो ये प्रश्न पूछे जाते थे तो इनका जवाब किसी के पास भी नहीं था। अब किसी को तो ये चर्चा, कहते हैं काहू को सांची भाषे कोई चर्चा सुन होवे गलित, किसी को तो ये चर्चा सच्ची लगती है, भाषना मतलब प्रतीत होना, किसी को लगता है कि श्री जी जो चर्चा कर रहे हैं ये सत्य है। कोई चर्चा सुन होवे गलित, कोई चर्चा सुन करके गलित गात हो जाता है, समर्पित हो जाता है, कोई स्तुति करता है, कोई विनती करता है श्री जी की, उनकी प्रार्थना करता है, और कोई आकर के निंदा करने लगते हैं। अब दिन रात बस यही कार्य चल रहा था, जो निंदा करने वाले लोग थे प्रश्न लेकर के आते थे, प्रश्नोत्तर का कार्य चलता ही रहता था, और वहाँ पर ऐसे जागनी होती रही, और चर्चा के साथ में उत्सव रसोई होने लगा। गोवर्धन जी जो आए थे उनके पास उस समय काफी धन था, उन्होंने ये सेवा ले रखी थी उत्सव रसोई इत्यादि की। तो इस क्रम में अब मस्कत बंदर से महावजी भाई का बेटा कानजी भाई, ये भी सुंदर साथ के बीच में आ जाते हैं, शामिल होते हैं। लालदास जी तो आ ही चुके हैं, अब साथ में मगरोल पाटन से सुंदर साथ आते हैं, और अब सूरत से जागनी की लीला का क्रम आगे चलना है तीव्र गति से। 500 लोगों की जमात सूरत से जुड़ जाती है श्री जी के साथ में, और क्योंकि अब यहाँ से दो रास्ते अलग हो चुके हैं, एक नौतनपुरी वाला रास्ता अलग हो चुका है बिहार जी की गादी वाला, और दूसरा श्री जी का जो बातुनी गादी है उसका रास्ता अलग हो चुका है। तो अब आगे जागनी कैसे होगी उसके विषय में बता रहे हैं, और इसमें एक उदाहरण दिया। इस प्रकरण में मोहम्मद साहब के तन से जब लीला चल रही थी, तीसरे दिन की लीला, तो वहां मक्का में जब मोहम्मद साहब का विरोध होना शुरू हुआ, उनके साथ बहुत कम लोग जुड़े हुए थे, मोहम्मद साहब के साथ में लगभग 300 लोग जुड़े हुए थे, और बाकी मक्का शहर पर दूसरे लोगों का कब्जा था। मोहम्मद साहब ने सोचा कि अगर हम यहाँ रहे, मक्का में ही रहे,
तो हम अपने मंजिल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर यहाँ के अधिकार को लेना है तो पहले हमें बाहर, यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा और वहाँ जा करके पहले ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी और उसके बाद ही हम मक्का को फतह कर सकते हैं, उसको जीत सकते हैं। तो जब वहाँ मक्का में वहाँ के लोगों ने जब दबाव बनाना शुरू किया, दूसरे अरबी लोगों ने जो इस्लाम मत जिन्होंने स्वीकार नहीं किया था, तो मोहम्मद साहब ने वहाँ से पलायन किया, मतलब रातों रात भाग करके फिर मदीना चले गए थे। और मदीना में जाकर के उन्होंने तैयारी शुरू की और उसके बाद मक्का को बाद में फतह हासिल किया था, मक्का को बाद में जीता था। अब उस प्रसंग को दोहराते हुए श्री लालदास जी कहते हैं कि जैसे मोहम्मद के साहब के साथ में वैसी लीला हुई थी, उन्होंने हज किया था, हज का मतलब पलायन हो जाना। यहाँ पर भी क्या है, नौतनपुरी में राज जी ने सबसे पहले लीला की। अब नौतनपुरी में जिन राज जी ने लीला की थी, अब यहाँ जाहिरी गद्दी से बात नहीं है, राज जी की जो गादी है अर्थात बातिनी जो स्थान है उसको ग्रहण करना है, तो हमें नौतनपुरी की गादी के बंधन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो यहाँ सूरत को मदीना की संज्ञा दी है और नौतनपुरी को मक्का की संज्ञा दी है, और फिर नौतनपुरी अथवा मक्का में विजय प्राप्त करने के लिए, मक्का को जीतने के लिए श्री जी मदीना अर्थात सूरत से जागनी यात्रा शुरू करते हैं और राज्य की जो बातिनी गादी है, राज्य का जो वास्तविक स्थान है इस जागनी के ब्रह्मांड में, एक तो बातिनी रूप में ब्रह्म सृष्टियों का जो हृदय है वो राज्य का स्थान है, लेकिन जाहिरी रूप में पन्ना जी को इस जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा कहा जाता है, जिसको यहाँ पर बेतल मुकद्दस कहा है, दारुल बका कहा है। अखंड तो वैसे परम धाम है, लेकिन इस जागनी के ब्रह्मांड में परम धाम की जो शोभा है वो पन्ना जी को मिल रखी है। तो अब जागनी के लिए कार्य कैसे चलता है, लीला कैसे होती है, कि जैसे मोहम्मद साहब के द्वारा लीला हुई थी वैसे ही नौतनपुरी से श्री जी पहले निकल चुके हैं, वहाँ की बातिनी गादी को प्राप्त करने के लिए श्री जी सूरत से अब जागनी की लीला शुरू करते हैं और चलते हुए पन्ना पहुँचते हैं। और जिस तरह से मोहम्मद साहब को मदद करने वाले महाजर थे, महाजर किसको कहते हैं, जो घर बार छोड़ करके निकल चुके हैं, जैसे जिनको हम हिंदी में शरणार्थी कहते हैं, जिनका स्वयं का घर बार नहीं होता, अलग अलग जगह पे डेरा डाल करके रहते हैं, उनको महाजर कहा गया है, जिसको इंग्लिश में रेफ्यूजी कहा जाता है। तो इसी तरह से सूरत से जो सुंदर साथ निकले हैं उनको महाजर की शोभा मिली, 500 की जमात चलती है और ये 500 सुंदर साथ चलते चलते पन्ना तक पहुंचते हैं और इन 500 की जमात में धीरे धीरे करके लोगों का जमात जुड़ता जाता है, जमावड़ा होता जाता है और पन्ना पहुंचने तक ये 500 की संख्या 5000 हो जाती है। तो इस उदाहरण से श्री लालदास जी ने इस प्रकरण में मक्का, मदीना और दारुल बका के उदाहरण से नौतनपुरी, सूरत और पन्ना का यहाँ पर बातिनी रहस्य स्पष्ट किया। और सबसे बड़ी जो महिमा है इस प्रकरण में श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम पन्ना की दर्शाई गई है। अब उस क्रम में, उस जागने के क्रम में सूरत से जो सुंदर साथ श्री जी का साथ दे करके चलते हैं उनका नाम बता रहे हैं। सबसे पहले तो श्री जी स्वयं हैं, श्री जी के साथ में बाई जी महारानी है, उनके साथ में गोवर्धन भट्ट हैं। कहते हैं सेवा करी तन धन सो तो हुआ साथ में धन धन। मैं जब सेवा के विषय में हम चर्चा कर रहे थे पहले, तो वहाँ तन और धन की सेवा की बात की थी और उसमें ये बात कहा था कि तन और धन के साथ में मन जुड़ा होता है, चाहे तन की सेवा किया जाए चाहे धन की सेवा की जाए, दोनों में मन जुड़ा होता है। यहाँ पर मन की सेवा को अलग से नहीं लिखा है, तन और धन दोनों से सेवा की, लेकिन दोनों की सेवा में मन तो जुड़ा ही हुआ है। और जिन्होंने ऐसे सेवा की तन मन धन से, उनके साथ क्या हुआ, कहते हैं तो हुआ साथ में धन धन, वे सब सुंदर साथ में धन्य धन्य कहलाए। क्योंकि आज भी हम उन सब सुंदर साथ को गौरव के साथ में याद करते हैं, सम्मान के साथ में याद करते हैं। अब साथ में भीम भाई हैं जिन्होंने पूरी उम्र सेवा की, आगे नाग जी हैं जिन्होंने अपना परिवार छोड़कर के निकले हैं,
तन मन धन सब ले चला, पाया खिताब नाम गरीबदास। उनको पन्ना जी में पहुंच करके जब हम अष्ट प्रहर की लीला का वर्णन करते हैं तो वहाँ गरीबदास नाम से नागजी भाई को पहचाना जाता है। श्याम भट्ट भी साथ में चले, कुछ दिन तक रहे, लेकिन उनका मन पूरी तरह से उनके नियंत्रण में नहीं था, तो कुछ दिन तक श्री जी की सानिध्यता में चलने के बाद वापस आते हैं। ऐसा नहीं कि अभी 500 लोग जो चले हैं, 500 सुंदर साथ, ये सब के सब पन्ना पहुँच जाते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ सुंदर साथ वापस संसार में भी आते हैं, अपने अपने घरों में आकर के जागने की सेवा करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सुंदर साथ हैं जिनका नाम यहाँ पर लिया गया है। सबका नाम लेना संभव नहीं है, आप सब सुंदर साथ बीतक में से उन सब सुंदर साथ का नाम पढ़ सकते हैं। अब श्री जी वहाँ से सूरत से चल के श्री जी पहुँचते हैं गुजरात अर्थात अहमदाबाद। अब सब सुंदर साथ चले हैं राज्य के रास्ते में। कहते हैं राह खुदाई के वास्ते लड़े मेटन को जुलमात। जुलमात कहते हैं अंधकार। अंधकार किसका? अज्ञानता का। अंधकार कहें चाहे अज्ञानता कहें, ये सब माया का रूप है। वाणी का कथन है, मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। तो इस माया से लड़ने के लिए सुंदर साथ चल पड़ते हैं। अब 4 दिन तक अहमदाबाद में रहते हैं, वहाँ पर चर्चा इत्यादि होती है, और अहमदाबाद में 4 दिन रह करके श्री जी पहुँचे हैं सिद्धपुर। सिद्धपुर में श्री जी रहे 22 दिन तक। सिद्धपुर को धार्मिक स्थान माना जाता है, और जितने भी धार्मिक स्थान होते हैं वहाँ पर मुख्य रूप से जो चीज़ें पाई जाती है, सबसे पहले मंदिर, जहाँ मंदिर होते हैं वहाँ पर पुजारी अवश्य होते हैं, और धार्मिक स्थानों में पंडे होते हैं। पुजारी और पंडे में क्या फ़र्क है कि पुजारी तो मंदिर में जो भगवान के रूप में स्थापित किए जाते हैं उनकी पूजा करते हैं, और पंडे क्या करते हैं, धार्मिक स्थानों में जो लोग अपने पुरखों के नाम पर, पूर्वजों के नाम पर दान पुण्य पिंडदान इत्यादि कराने के लिए जाते हैं, उनका कार्य कर देते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करा देते हैं। तीर्थ स्थानों में अलग अलग मंदिरों की वो महिमा सुनाते हैं भक्तों को, और इसके बदले में वे उन लोगों से, वहाँ के आगंतुक लोगों से धन की इच्छा करते हैं, धन की मांग भी करते हैं। तो जब श्री जी सिद्धपुर पहुँचे हैं, सिद्धपुर धार्मिक स्थान है, 22 दिन तक वहाँ पर रुके, तो वहाँ एक भगवान दास रेवादास उपाध्याय नाम के एक व्यक्ति थे। ब्राह्मण थे, पंडा थे, और उन्होंने श्री जी की सेवा की सच्चे दिल से, भले ही पहचान नहीं है लेकिन दिल से उन्होंने सेवा की। अलग अलग तीर्थों को तीर्थों में घुमाया, जिनको तीर्थ गुरु कहते हैं, ए तीर्थ गुरु होए मिलिया कछु न हुई खबर। श्री जी के स्वरूप की तो उनको पहचान नहीं थी, लेकिन उन्होंने तीर्थों में घुमाने का काम, उन तीर्थों की महिमा को, महात्म्य को बताने का काम अच्छी तरह से किया। अब जब श्री जी वहाँ से जाने वाले थे 22 दिन के पश्चात, तो उन्होंने, श्री जी ने सुंदर साथ को कहा कि इनको एक मुहर दे दीजिए। अब उस समय का 1 रुपया बहुत अधिक होता था, आज के 1000 रुपये से भी अधिक, लेकिन उस एक मुहर को प्राप्त करने के बाद भगवान दास जी को और अधिक लालच आया, और कहते हैं कि हमें कृपया मुझे एक मुहर 1 रुपया और दे दीजिए। तब गोवर्धन जी ने कहा कि आप लौकिक धन की मांग तो कर रहे हैं, आप इनसे अलौकिक धन की भी तो मांग कीजिए, आप इनके स्वरूप की भी तो पहचान कीजिए, क्योंकि लौकिक धन अधिक समय तक रहने वाला नहीं है, संपत्ति अधिक समय तक रहने वाली नहीं है, लेकिन जब हमें अलौकिक धन की प्राप्ति हो जाती है, एक उदाहरण आता है स्वामी विवेकानंद जी का, कि एक अवस्था ऐसी थी, एक समय ऐसा आया था कि विवेकानंद जी अभी स्वामी विवेकानंद नहीं बने थे, अभी नरेंद्र ही थे, और उनके घर में गरीबी के कारण सब लोग परेशान थे। उन्होंने सोचा, विवेकानंद जी ने, नरेंद्र जी थे उस समय, उन्होंने अपने गुरुजी के पास गए हुए, और गुरुजी को कहते हैं कि गुरुदेव, माँ तो आपकी बात सुनती हैं, जिनको वो, जिनकी वो सेवा करते थे, देवी अथवा काली माँ, कहते माँ तो आपकी बात सुनती हैं,
कृपया आप माँ से प्रार्थना कर दीजिए ना कि मेरी घर की अवस्था ठीक कर दें। तो अब रामकृष्ण परमहंस हैं, वो परीक्षा लेना चाह रहे हैं कि ये क्या मांगते हैं, चलो देखते हैं। उन्होंने कहा कि जाओ तुम खुद ही मांग लो, तुम्हारी भी तो वो माँ है, तुम जाओ तुम ही मांग लो, तुम्हें क्या मांगना है। अब विवेकानंद जी गए, ध्यान में बैठे आँख बंद करके, थोड़ी देर तक चिंतन चला, उसके बाद उन्होंने लौकिक संपत्ति की मांग नहीं मांगी, उन्होंने कहा कि मुझे आप प्रेम दीजिए, मुझे आप ज्ञान दे दीजिए, मुझे विवेक दीजिए, मुझे वैराग्य दीजिए। ये आध्यात्मिक संपदा है, ये आध्यात्मिक धन है, जो कभी भी जब तक जीव इस शरीर में है तब तक भी ये धन समाप्त होने वाले नहीं है, और जब जीव शरीर को छोड़ करके चला जाएगा तो तब भी ये काम आने वाले हैं। ज्ञान प्रेम विवेक वैराग्य के साथ में जो कर्म हमने इस शरीर के रहते किया है उन कर्मों का फल हमें काम आने वाले हैं, लेकिन अगर हम लौकिक धन की मांग करते हैं तो ये तब तक ही सीमित रहने वाले हैं जब तक शरीर है, क्योंकि शरीर के छूटते ही धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारी जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धन इसी भूमि पर रह जाएगी, पशु गोष्ठ में रह जाएंगे, पत्नी घर के दरवाजे पर रह जाएगी, लोग शमशान घाट तक चले जाएंगे, आपका जो शरीर सबसे अधिक अपना जिसको कहते हैं वो भी शमशान घाट में चिता के ऊपर ही रहने वाला है, लेकिन हमारे साथ तो कर्म और कर्मों का फल ही जाने वाले हैं। इसलिए गोवर्धन जी ने कहा कि आप कुछ लौकिक संपत्ति लौकिक धन की तो मांग कीजिए। तो भगवान जी ने मजबूरी में कहा कि अच्छा ठीक है, आप मेरी आत्मा का कल्याण कर दीजिए, मुझे मेरी पहचान करा दीजिए। अब क्या करते हैं, चलते चलते निकलने ही वाले थे, अंत में जाते जाते श्री जी ने उनको कहा कि तुम निज धाम को याद करो, उस धाम को याद करो जिस धाम से तुम आए हो, जिस परम धाम में यमुना जी प्रवाहित हो रही है, जहाँ पर हौजकसर तालाब है, वहाँ सातों घाट हैं उनको याद करो, जहाँ अक्षर धाम है उसको याद करो, और ब्रज रास को याद करो जहाँ पर हम ब्रह्म सृष्टियों ने लीला की थी, और इन सब बातों को याद रखना है, इन सब बातों को दोहराना है, उन लीलाओं को याद करना है। अब चलते चलते यही तो किया जा सकता था। आज हम में से बहुत सारे ऐसे सुंदर साथ हैं जिनकी स्थिति भगवान दास रेवादास जी जैसी है। कैसे कि कई बार कार्यक्रम होते हैं कई जगहों पर, कहीं 3 दिन का शिविर रखा जाता है, कहीं 5 दिन का, बीतक अगर चल रही है तो बीतक भी 1 महीने की होती है, कोई 15 दिन का भी करते हैं, 1 हफ्ते का भी रखते हैं, लेकिन सुंदर साथ क्या करते हैं कि विशेष लाभ जो कार्यक्रम का लेना होता है उसका लाभ तो नहीं लेते, ऐसे लाभ लेने के समय में वे अपने मायावी कार्यों में मग्न होते हैं, मस्त होते हैं। फिर होता क्या है, मैं कई जगहों पर कार्यक्रमों में जाता हूँ तो वहाँ सुंदर साथ कभी कभी अपने घरों में बुला लेते हैं, फिर जब हम उनके घर में जाते हैं भोजन इत्यादि के पश्चात जब चलने का समय होता है, कहते महाराज जी कुछ सुना दीजिए, थोड़ी सी चर्चा कर दीजिए। हमने कहा अभी तो जाने का समय चलने का समय हो रहा, कहते 10 मिनट के लिए। अब मुझे समझ नहीं आती ये बात कि जिनको 3 दिन के कार्यक्रम से कुछ नहीं मिला उनको 10 मिनट में वो क्या ग्रहण कर लेंगे, क्या ले लेंगे, और हम उनको क्या सुना पाएंगे। तो ऐसी जो भगवान दास जी वाली स्थिति बहुत सारे सुंदर साथ की है, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जो हमें अवसर प्राप्त हुआ है उस अवसर का लाभ वास्तव में लाभ उठाना चाहिए। अब चलते चलते ये शब्द उन्होंने कहे, श्री जी ने वहां से चले गए। अब श्री जी के जाने के बाद भगवान दास जी उन्हीं शब्दों के चिंतन में 6 महीने तक डूबे रहे, और उसके बाद उनके एक मित्र थे केशव भट्ट, केशव भट्ट से उन्होंने इस बात की चर्चा की। काफ़ी लंबे समय के बाद में मुलाकात हुई तो उन्होंने केशव भट्ट से इस बात की चर्चा की, और जब उन्होंने पूछा भट्ट जी ने, केशव जी ने, कि तुम्हें ये इतनी उच्च ज्ञान किसने दिया, भगवान दास जी ने कहा कि एक क्षत्रिय व्यक्ति यहाँ से निकला था और उन्होंने ही मुझे ये बात कही है। तो केशव भट्ट कहते हैं, यह तो अक्षरातीत था, तुम न करी पहचान,
अब मैं उत ही जात हूँ, मुझे आया ईमान। कि जिसको तू एक सामान्य क्षत्रिय कह रहा है वो क्षत्रिय नहीं है, क्योंकि ऐसे शब्द तो साक्षात अक्षरातीत ही कर सकते हैं। अक्षरातीत के अतिरिक्त ऐसा कोई दूसरा नहीं है जो ऐसे शब्द कह सके। इस प्रसंग से हमें दो शिक्षा मिलती है। दूसरी शिक्षा के विषय में तो शायद सभी लोगों ने विचार किया होगा कभी न कभी, उसके विषय में हम बाद में आते हैं। पहली शिक्षा जिनके विषय में कभी किसी ने विचार नहीं किया है वो शिक्षा ये है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है कि कोई इससे असहमत भी हो, ये आपके ऊपर, आपके भावों पर, आपके विवेक पर मैं छोड़ता हूँ, लेकिन मेरा व्यक्तिगत भाव ये है कि राज्य के ज्ञान को अगर हमने ग्रहण किया है तो हमें ये संशय लाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये सोचने, ये विचार करने की ज़रूरत नहीं है कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं या नहीं, हम ईश्वर सृष्टि हैं अथवा जीव सृष्टि हैं, कौन है, इस विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है। राज्य का ज्ञान हमें मिला है तो हम ये प्रयास करें कि हम इसको दूसरों तक पहुंचाएं। हम ब्रह्म सृष्टि हो या न हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे भगवान दास रेवादास, ब्रह्म सृष्टि की आत्मा उनके अंदर नहीं थी, फिर भी उनके द्वारा शब्द सुनकर के एक ब्रह्म सृष्टि की जागनी हुई है। केशवदास जी की जागनी उनके द्वारा हुई। अगर उनके द्वारा ये शब्द नहीं कहे जाते, अगर इनको माध्यम नहीं बनाया होता राज्य ने, तो केशव भट्ट की जागनी नहीं हो पाती, तो राज्य इस संसार में किसी को भी शोभा दे सकते हैं। हमें इस विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि हम कौन है कैसे। अगर एक भी ब्रह्म सृष्टि की जागृति हो गई तो सोच लीजिए कि अगर हम जीव सृष्टि भी हैं तो भी हमारा मनुष्यतन धारण करना सफल सिद्ध हुआ, धन्य धन्य हुआ। मैं इस प्रसंग से इस शिक्षा को ग्रहण करता हूँ। अगर आप लोगों को भी लगता है कि ये बात उचित है तो इस बात को ग्रहण कीजिए। दूसरी विशेष शिक्षा ये कि इस चौपाई में केशव भट्ट जी श्री जी के स्वरूप की पहचान करा रहे हैं, जो ये कहते हैं कि प्राणनाथ जी एक साधु हैं। आज से कुछ समय पहले मैं हरिद्वार गया हुआ था, वहाँ एक मंदिर है, भारत माता मंदिर। वहाँ पर बहुत सारे विभिन्न महापुरुषों की प्रतिमा बनाई हुई है, मूर्ति बनाई हुई है, और उस जगह पर एक मूर्ति बनाई हुई थी, पालथी मार कर के बैठे हुए हैं, मूछें उसकी है, देखने में पता चलता है कि ये मिहिर राज जी का है। वैसे मिहिर राज जी की भी वो मूर्ति नहीं है, क्योंकि उस समय कैमरे तो थे नहीं, और जो फोटो प्रचलित है, जो भी मूर्ति प्रचलित थी, वो मूछों वाली श्री देवचंद्र जी की और मिहिर राज जी की, वो तो जाम राजा के वहाँ के दीवान की और राजा की तस्वीर है। आज से लगभग 4-5 साल पहले वहाँ का जो म्यूजियम खोला गया था तो वहाँ पर हूबहू वही तस्वीरें हैं, जाम राजा के तस्वीर के रूप में। तो वह मिहिर राज जी की भी तस्वीर नहीं है, और फिर भी उस तस्वीर को प्रतीक माना जाता है हमारे समाज में। लेकिन विडंबना यह है कि वहाँ पर मिहिर राज जी की मूर्ति बना करके नीचे लिखा गया था स्वामी श्री प्राणनाथ जी, और उनका परिचय देते हुए 2 लाइन में ये बात लिखी गई थी कि ये निजानंद संप्रदाय के श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के ये दूसरे आचार्य हैं और प्रचारक हैं, श्री देवचंद्र जी के ये शिष्य रहे हैं और महाराजा छत्रसाल जी के गुरु हैं, ऐसी बात वहां पर लिखी गई है। और न सिर्फ उस मंदिर की बात, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जो श्री प्राणनाथ जी को छत्रसाल जी का गुरु, श्री देवचंद्र जी का शिष्य और कृष्ण जी का भक्त कहने पर तुले हुए हैं। अगर वे भक्त हैं तो इस चौपाई में उनको अक्षरातीत कहने की क्या आवश्यकता। कोई अपनी बात को साबित करने के लिए अभी तक की इस चौपाई को तोड़ मरोड़ करके ये कह सकता है कि हो सकता है कि अभी केशव भट्ट को तो जागनी, उनकी जागनी तो नहीं हुई है, उन्होंने तो अपनी जागृति से पहले उनको अक्षरातीत कहा है, लेकिन आप छत्रसाल जी के द्वारा कहे गए उन वचनों को क्या कहेंगे कि यही अक्षरातीत है, यही धनी धाम, यही मोहम्मद मेहदी ईसा, यही पूरे मनोरथ काम। इस संसार में किसी व्यक्ति ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति ने, कि मूर्ख स्त्री अपने पति को नौकर बनाती है,
अपने पति के साथ नौकर के जैसा व्यवहार करती है, अब नौकर की पत्नी को क्या कहेंगे, नौकरानी ही कहेंगे। और बुद्धिमान स्त्री अपने पति को राजा कहती है, और अपने पति को राजा कह करके अब राजा की पत्नी क्या होगी, खुद महारानी सा सम्मान प्राप्त करती है। ये किसी महापुरुष का कथन है। अब हम ब्रह्म सृष्टि का दावा लेने वाली पतिव्रता ब्रह्मांगनाओं को ये बात तय करनी है कि हमें हमारे आत्मा के प्रियतम प्राणनाथ को क्या साबित करना है। अगर हम उनको अक्षरातीत कहते हैं तो हम अक्षरातीत की आलादिनी अंग हैं। अगर हम उनको संसार के कवि कहते हैं तो हम कवि की पत्नी हो गई। अगर हम कहते हैं कि प्राणनाथ जी का धामगमन हो गया तो हम ब्रह्म सृष्टि विधवा हो गई। ये स्पष्ट बात है, इसमें कोई दोहराय नहीं है, इसमें किसी प्रकार का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, कोई तर्क करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि हमारे समाज में तो, भारतीय समाज में तो, एक पति जो कार्य करता है, पति के कार्यों का, पति के पद का श्रेय पत्नी को बिना किए मिल जाता है। डॉक्टर की पत्नी चाहे अंगूठा छापो उसको डॉक्टर नहीं कहते हैं। मास्टर की जो पत्नी होगी उसको मास्टर नहीं कहते हैं, भले उसको पढ़ाना आता है कि नहीं। पंडित की पत्नी को पंडिताई नहीं कहते हैं, भले उसको आता है कि नहीं। तो भारतीय परंपरा में तो ऐसा सम्मान है। और हम हमारी आत्मा के प्रियतम का सम्मान घटाने पर तुले हुए हैं, बढ़ाने की तो बात छोड़ दीजिए। वाणी तो ये कहती है कि महिमा का भी वर्णन नहीं हो सकता, और हम महिमा को घटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सब सुंदर साथ को इस प्रसंग से शिक्षा लेनी चाहिए कि यह तो अक्षरातीत था, जिनको हम किसी का गुरु, किसी का शिष्य, किसी संप्रदाय का प्रचारक प्रवर्तक कह रहे हैं। और कुछ महापुरुष तो उनसे भी गुरु अथवा भक्त कहने वाले लोगों से भी दो कदम आगे गए हैं। और कुछ महापुरुष कहते हैं कि हमारे जो गुरु हैं वे तो प्राणनाथ जी से भी आगे हैं। प्राणनाथ जी कभी अमेरिका गए थे? नहीं गए थे। हमारे गुरु गए हैं। प्राणनाथ जी को अंग्रेजी आती थी? नहीं आती थी, लेकिन हमारे गुरु जी को अंग्रेजी भी आती है। प्राणनाथ जी को तो दो तीन ही भाषाएं आती होंगी, वो भी प्रांतीय भाषाएं आती थी, लेकिन हमारे गुरु जी को तो अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं आती है। वे तो नेपाली में भी बोल लेते हैं, हिंदी में भी बोल लेते हैं, अंग्रेजी में भी बोल लेते हैं, गुजराती में भी बोल लेते हैं। तो हमारे गुरु जी चार चार पाँच पाँच भाषाओं में धारा प्रवाह प्रवचन कर सकते हैं, इसलिए हमारे गुरु जी तो प्राणनाथ से भी बढ़कर हैं। ऐसे लोग भी आज समाज में पाए जाते हैं। तो उन सब सुंदर साथ को ये बात, ये शिक्षा गांठ बांध देनी चाहिए। मैं अक्षरातीत का उदाहरण दे करके अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी को नीचा साबित नहीं करना चाहूँगा, मैं एक लौकिक संसार का उदाहरण देता हूँ। कबीर जी अपने विषय में कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। कबीर जी के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी कलम भी ग्रहण नहीं किया था, उन्होंने एक भी दोहा, एक भी साखी लिखी नहीं है। उनके द्वारा कहे गए दोहों को, उनके द्वारा कही गई साखियों को उनके शिष्यों ने लिपिबद्ध किया। चलिए इस बात को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो सोचिए, जो कबीर अंगूठा छापते, आज कबीर जी की एक एक साखी पर लोग PhD करते हैं। और ये कहना कि आज के जिन लोगों ने PhD कर ली है उनके विषय में कोई ये कहता है कि ये तो कबीर जी से ऊंचे ज्ञानी हैं, क्योंकि कबीर जी ने PhD नहीं की थी और हमारे जो अध्यापक हैं इन्होंने PhD कर रखी है, ये वैसी ही बात हो गई। मैंने एक लौकिक उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है। अक्षरातीत के साथ तो उदाहरण दिया ही नहीं जा सकता, सूरज को दीपक दिखाने समान है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की हम सब पहचान करें, ये शिक्षा इस प्रसंग से प्राप्त होती है। अब इतना कह करके, वह तो अक्षरातीत था तुम न करी पहचान, ऐसा कह करके केशवदास जी वहीं से निकले, घर भी नहीं गए। अब तीसरी शिक्षा यहाँ पर मिलती है कि राज्य की पहचान हो जाने के बाद अब ये माया में नहीं लगे हैं, वहीं से श्री जी की खोज में निकले। और खोजते खोजते वे बाद में जब श्री जी दिल्ली पहुंचे हुए हैं तो दिल्ली में जाकर के मिलते हैं। और कुछ दिन तक वहाँ रहने के बाद, श्री जी से चर्चा सुनने के बाद, वे पुनः अपने घर आते हैं। और अपने घर आकर के निजानंद संप्रदाय का प्रथम प्रामाणिक मंदिर की स्थापना करते हैं। इससे पहले कहीं पर भी मंदिर की स्थापना की चर्चा नहीं आती है। सिद्धपुर में जाकर के थाना थाप्या सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर धाम चर्चा नित हो, वहीं साथ रहया पकड़
तो केशव भट्ट के घर में मंदिर की स्थापना होती है, ये प्रमाण वित्तक के अंदर प्राप्त होता है। अब ये तो वापस लौट जाते हैं बाद में, अभी ये प्रसंग अभी आगे नहीं आया है, लेकिन श्री जी की जो लीला है वो कहाँ पर पहुँचे हैं सिद्धपुर से निकल करके, क्योंकि अभी तो केशव भट्ट खोज कर रहे हैं, श्री जी के जाने के 6 महीने के बाद उन्होंने खोज शुरू की। हो सकता है कि जब उन्होंने खोज शुरू की हो तब तक श्री जी दिल्ली पहुँच चुके हों, ये तो आगे हमें पता चलेगा। लेकिन श्री जी अब उधर की जो घटना फ्लैशबैक में बताया जा रहा है कि श्री जी सिद्धपुर से चल करके पहुंचते हैं मेरता। मेरता में जब पहुंचे वहां एक यति थे, उनका नाम था लाभानंद। वैसे तो यति का अर्थ होता है सन्यासी, और सन्यासी का तात्पर्य क्या होता है, सम्यक रूप से अर्थात अच्छी तरह से समझ करके जिसने किसी का त्याग कर दिया हो, चाहे किसी को भोगने के बाद समझ में आए, चाहे किसी को ठोकर खाने के बाद समझ में आए, चाहे किसी को दूसरों की ठोकर को देख करके समझ में आए, लेकिन समझने के बाद अगर किसी ने किसी का त्याग किया है तो उसको सन्यासी कहते हैं। यति का अर्थ होता है सन्यासी। अब लाभानंद जो यति हैं उनके अंदर सन्यास वाले कोई भी लक्षण नहीं है, क्योंकि कोई सन्यासी व्यक्ति तंत्र मंत्र यंत्र के चक्कर में नहीं पड़ता है। सन्यासी का धर्म क्या होता है कि सन्यासी एक जगह पर लंबे समय तक नहीं रहता है, कुछ दिन रहता है, ज्ञान का प्रचार करता है, वो किसी को डरा धमका करके अपना गुजारा नहीं करता है। लाभानंद यति सन्यासी नहीं बल्कि वो तांत्रिक थे, और जब श्री जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कोई चर्चा सुनने के लिए आ नहीं रहा है लाभानंद यति के डर से। श्री जी गए लाभानंद के पास और 10 दिन तक उनसे ज्ञान की चर्चा हुई। अब जिसके पास में अध्यात्म का कोई ज्ञान ही नहीं है, कहते हैं 10 दिन चर्चा में भय ठोर ठोर हुए जब बंध, जगह जगह पर जब बंधन आया, बंधन आने का मतलब जगह जगह पर जब वो निरुत्तर हो गए, उन्होंने सोचा कि तब कहीं महात्म मेरो गयो, मेरा महात्म्य मेरी महिमा तो चली गई, अब मेरे मार्ग का जो प्रबंध है अर्थात मेरा जो गुजारा है वो कैसे चलेगा, इसके लिए तो इनको रास्ते से हटाना अनिवार्य है। इसलिए वो जो तांत्रिक था उसने अपने तंत्र बल का प्रयोग किया, अपने तामसिक तप का प्रयोग किया, तामसी जीवों का उसने आवाहन किया जिसको उसने वश में कर रखा था, और कहा कि पहाड़ को उठा करके, बड़े बड़े पत्थरों चट्टानों शिलाओं को उठा करके उनके नीचे दबा करके इन साधुओं को, इनके साथ जितने लोग हैं उनको मार डालो। अब हुआ क्या, कहते हैं घर पर्वत उठो नहीं तब हार के बैठा एक ठोर, जहां पंच वासना सब देव खड़े तहां मंत्र चले क्यों। और उन भूत प्रेतों से जो तामसी जीव थे उन प्रेतों से घर पर्वत उठना तो दूर, तिनका भी नहीं हिला, क्योंकि ये तो एक सूक्ष्म तुच्छ जीव है, उनके पास कोई भी क्षमता नहीं है करने के। जहाँ जिनकी रक्षा के लिए, जिनकी सेवा के लिए पंचवासना और संपूर्ण देवी देवता रहते हैं, जिन ब्रह्म सृष्टियों की हिफाजत के लिए राज्य के जोश और जागृत बुद्धि के फरिश्ते असराफिल जबराइल भेज दिए आमर, निगाह बानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर, जिनकी सुरक्षा के लिए ये सब रहते हैं, वहाँ पर इनका जोर कैसे चल सकता है। एक बार एक गाँव में एक तांत्रिक पहुंचा और उसने अपने तंत्र बल को दिखा करके लोगों को डराना शुरू किया। अब सब लोग उसके पास जाते थे डर के कारण, लेकिन एक व्यक्ति था जो एक साधु से जुड़ा हुआ था, वे साधु ध्यानी थे, ध्यान किया करते थे, तो उस लड़के ने उस तांत्रिक के पास जाना अस्वीकार कर दिया, कहा कि मैं नहीं आऊंगा। अब उसने धमकी दी तांत्रिक ने कि अगर तू नहीं आता है तो मैं अपने तांत्रिक बल का प्रयोग करके, मारण क्रिया का प्रयोग करके मैं तुझे मार डालूंगा।
तो वो जो लड़का था वो साधु के पास गया और उसने साधु से सारी बात कह सुनाई आप बीती कि एक तांत्रिक ने मुझे मारने की धमकी दी है, आप कृपया मेरी रक्षा कीजिए। तो गुरुजी ने कहा कि तू परमात्मा का ध्यान कर। तो उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव मैं तो नया नया हूँ, आपसे भी मिला मैं ज़्यादा समय नहीं हुआ, क्योंकि नया नया ही जुड़ा था वो। उसने कहा कि मुझे तो अभी परमात्मा के ध्यान की पद्धति का पता ही नहीं, मुझे उनके स्वरूप की पहचान नहीं, मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुझे परमात्मा के ध्यान का पता नहीं तो तू मेरा ध्यान कर। यहां पर गुरुजी अपनी भक्ति नहीं करवा रहे थे, इसके पीछे एक कारण और था जिसको हम बाद में स्पष्ट करेंगे। गुरुजी ने कहा कि जब भी तुझे ऐसा लगे डर का अनुभव हो तो तू मेरा ध्यान कर। गुरुदेव पहुंचे हुए थे, उनकी अवस्था ऊंची थी। अब जब उस तांत्रिक ने मारण क्रिया शुरू की, इस लड़के को घबराहट शुरू हो गई कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है। वो तुरंत उठा और ध्यान में बैठ गया, अपने गुरु के चरणों की ध्यान करने लगा। वो गुरु के ध्यान में डूबा हुआ है। अब जैसे इसने गुरुजी का ध्यान करना शुरू किया, गुरुदेव परमात्मा के ध्यान में लीन हो गए। अब कनेक्शन जुड़ा हुआ है, मेन पावर हाउस से गुरुजी जुड़े हुए हैं और ट्रांसफार्मर से ये लड़का जुड़ा हुआ है। समझ में आई बात? परमात्मा से गुरुजी जुड़े हुए हैं और गुरुजी ट्रांसफार्मर का काम कर रहे हैं। वहां से ऊर्जा, वहां से शक्ति उस लड़के को ग्रहण कराई जा रही है। अब जिसके साथ परमात्मा की शक्ति जुड़ी हुई है, अब मारण क्रिया कैसे हो सकती है? और तांत्रिक क्रिया में मारण क्रिया के विषय में ऐसा बताया जाता है कि जो मारण क्रिया का प्रयोग करता है, जिसके ऊपर प्रयोग किया जाता है, अगर उसकी शक्ति उस तांत्रिक से अगर अधिक होती है तो वो मारण क्रिया का प्रभाव उसी के ऊपर होता है जिसने किया होता है। तो उसी की मारण क्रिया उसके ऊपर हो गई, तांत्रिक के ऊपर, और तांत्रिक की ही जान चली गई और इससे सारे गांव वाले भयमुक्त हो गए। तो सोचिए कि एक संसार का गुरु जब रक्षा कर सकते हैं, तो जिनके ऊपर साक्षात परब्रह्म खड़े हैं, जिनके अंदर बैठ करके साक्षात परब्रह्म की लीला हो रही है, जिस परब्रह्म की सेवा में त्रिदेव और पंचवासना खड़े हैं, तो उनको कोई व्यक्ति अथवा कोई भूत प्रेत कैसे परेशान कर सकते थे? आज हमारे समाज में सुंदर साथ में ईमान की कमी होने के कारण, दृढ़ ईमान न होने के कारण, कई बार सुंदर साथ भी ऐसी शिकायत लेकर के आते हैं कि हमारे घर में ऐसी घटनाएं होती है, भूत प्रेतों की हमें घटनाएं देखने को मिलती है, जिसको अंग्रेजी में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कहते हैं। ऐसी घटनाएं होती है, अलग अलग तरह की आवाजें आती है, ये उनके मन का डर है। अगर राज्य के प्रति दृढ़ ईमान है तो कोई भी हमें कुछ नहीं कर सकता। और गीता प्रेस से एक पुस्तक प्रकाशित है, उस पुस्तक में नाम शायद अभी मैं भूल रहा हूँ, मरने के बाद हमारा क्या होता है, ऐसा ही कुछ किताब है। उस पुस्तक के अंदर 8 प्रकार की योनियों का वर्णन किया है, प्रेत योनियों का, जिसमें एक विशेष बात बताई गई है कि इनमें कोई भी शक्ति नहीं होती है किसी को परेशान करने की। लेकिन कोई व्यक्ति परेशान कैसे होता है? मान लीजिए हमारे हमें ये पता है कि हमारे पूर्वज में से, हमारे परिवार में से कोई व्यक्ति मर चुका है, अगर वो प्रेत योनि में चला है अपने कर्म के हिसाब से और हमारे सामने आ जाता है, हम तो डर रहे हैं ना पहले से, हम ये सोच करके डर जाएंगे कि मरा हुआ व्यक्ति जीवित कैसे हो गया, ये तो भूत है। और इस विषय में हमने अनेकों कहानियां सुन रखी है कि हमें मार डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उस डर के कारण ही मनुष्य का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और जिस व्यक्ति का हृदय दिल कमजोर है उसका तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हृदय की गति बढ़ जाती है और हार्ट अटैक आकर के हृदयाघात से उस व्यक्ति की जान चली जाती है। लोगों को लगता है कि किसी ने मार दिया है, भूत प्रेत ने मार दिया है, जबकि उनके अंदर ऐसी कोई क्षमता नहीं होती है। इसीलिए हमें इन सब से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब जैसे ही लोगों को पता चला कि लाभानंद यति अब कुछ करने वाला नहीं, क्योंकि जब वो कुछ नहीं कर पाया तो मौन धारण करके बैठा, कहा देखाऊं मैं डगाए के आसन कर बैठा, सुन खोज खोज खाली भया, ग्रह के बैठा मून, मौन ग्रहण करके बैठा। चाणक्य का कथन है, मूर्खाणाम बलम मौनम। मौन दोनों लोगों की ताकत है,
कोई व्यक्ति जो सहनशीलता की पराकाष्ठा में पहुंचा है, मौन उसके लिए भी शक्ति ताकत का कार्य करती है और मूर्ख व्यक्ति के लिए भी मौन बल का कार्य करती है, क्योंकि अगर बोलने लग जाएगा तो जवाब देना पड़ेगा, जवाब उसके पास है नहीं, क्योंकि जो भी व्यक्ति मूर्ख होता है अगर वो बोलने लग जाता है। चाणक्य ने आगे कहा, यथा यथा मुंचति वाक्यवाणम तथा विजानाति कुलह प्रमाणम, जैसे जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति चाहे ज्ञानी भी हो, जैसे जैसे वो वाक्य रूपी बाण छोड़ने लगता है वैसे वैसे उसके संस्कारों का, उसके कुल का पता चल जाता है। अगर मूर्ख व्यक्ति बोलेगा उसकी मूर्खता का पता चलेगा, अगर ज्ञानी व्यक्ति बोलेगा उसके ज्ञान का पता चलेगा, और कभी कभी ज्ञानी होने के बाद भी मूर्खों से बहस की नौबत आती है तो ज्ञानी व्यक्ति को भी मौन होकर के रहना पड़ता है। तो अब लाभानंद जी मौन ग्रहण करके बैठा है। ऐसा होने के बाद उस शहर के सारे लोग श्री जी के पास आ गए, क्योंकि ये बात बहुत जल्दी फैल गई कि एक ऐसे महात्माएं हैं जिन्होंने लाभानंद यति को भी चुप करा दिया है, मौन करा दिया है, उसका भी जोर नहीं चला, क्योंकि शहर के सब लोग उससे डरते थे। उन्होंने सोचा कि कौन है जो शेर को सवा शेर मिला है, इस आश्चर्य के वशीभूत होकर के भी, इस जिज्ञासा के वशीभूत होकर के भी बहुत सारे लोग आते हैं चर्चा सुनने के लिए। कहते हैं, घेर रहे मधुमाखी जो कोई आई बीच हक, जैसे मधुमक्खी एक रानी मक्खी को घेर करके मधुमक्खी बहुत सारे आते हैं, पूरे छत्ते में कितनी मधुमक्खियां होती है, वैसे ही श्री जी के पास उस मेरता शहर के लोग आने लग गए। और इनमें से बहुत सारे सुंदर साथे जिनका नाम लिया है, और उनमें से एक थे अग्रवाल जाति के बनिया थे, व्यापारी थे, और उनका नाम था राजा राम। राजा राम अपने कबीले के साथ में, परिवार के साथ में आए और श्री जी से तारतम्य ज्ञान ग्रहण किया। एक और सुंदर साथ थे झाजन भाई, इन्होंने भी तारतम्य ज्ञान ग्रहण किया और श्री जी के ऊपर ईमान लेकर के आए। और ये वो सुंदर साथ है राजा राम और झाजन भाई, जिन्होंने अब से लेकर के, मेरता से लेकर के पन्ना जी तक सुंदर साथ की सेवा संभाली थी। बीच में सिर्फ जब मंदसौर में भिक्षा मांग रहे थे उस समय में कुछ महीनों के लिए, कुछ समय के लिए उनकी सेवा रुकी हुई थी, क्योंकि सुंदर साथ ही अलग अलग जगह पर छिप छिप के रहते थे, स्थाई पता किसी के पास नहीं था, कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं था, तो ये सेवा नहीं भेज पा रहे थे। अन्यथा पन्ना पहुंचने तक और पन्ना पहुंचने के बाद भी शुरू के कुछ वर्षों तक राजा राम और झाजन भाई की ही सेवा चल रही थी। अब इसके बाद ऐसे बहुत सारे सुंदर साथ आते हैं चर्चा सुनने के लिए, और चर्चा सुन करके खुश होकर के, प्रसन्न होकर के चले जाते हैं। अब मेरते में, मेरता शहर के अंदर बहुत लोगों के बीच में ये बात फैल गई, एक तो लाभानंद यति के प्रसंग से, और दूसरा राजा राम और झाजन भाई जैसे जो सेठ हैं, व्यापारी हैं, वे भी श्री जी के शरण में आए हैं, तो इससे भी प्रसिद्धि फैली और लोगों का आना शुरू हुआ। अब वहां से श्री जी ने सोचा कि हमें, क्योंकि इन्होंने पहले ही विचार किया था, देवचंद्र जी के माध्यम से ही पता चला था कि परमधाम की दो ब्रह्म सृष्टियां, विशेष रूप से शाकुंडल और शाकुमार, राजा के अंदर आई है, तो उन्होंने सोचा कि राजाओं को जगाना आवश्यक है, क्या पता कौन से राजा में हो। तो जब श्री जी मेरता पहुंचे हैं, उन्होंने जसवंत सिंह के बारे में सुना अटक के पार पंजाब के तरफ, कि जसवंत सिंह नाम का एक राजा है जो कि बहुत बहादुर है। अब उन्होंने सोचा कि हो सकता है उनकी जागनी हो तो आगे जागनी का कार्य तीव्र गति से हो सके, इसलिए गोवर्धन जी को पैगाम लेकर के भिजवाया। गोवर्धन जी गए, अटक के पार पहुंचते हैं, ये वही जसवंत सिंह है जो औरंगजेब के वहां पर नौकरी चाकरी किया करते थे, वैसे राजा तो थे लेकिन औरंगजेब के दरबार में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे राजा नौकरी किया करते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि औरंगजेब के कुछ सिपाही एक शेर को पकड़ करके ले आए, बब्बर शेर को, तो औरंगजेब खुश हुआ, उसको लगा कि यह बहुत बड़ा शेर है। उसने राज्य के दरबारियों से कहा, अपने चाकरों से और जो राजा थे उनसे, गर्व भरे स्वर में, कि मेरा जो शेर है इससे ताकतवर, इससे बलवान शेर किसी के पास है क्या?
जसवंत सिंह ने कहा कि हाँ मेरे पास एक शेर है जो इससे भी बलवान है। औरंगजेब कभी भी अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। औरंगजेब को लगा कि मेरी बात को काट करके इसने मेरा अपमान किया है। उसने कहा कि तुम्हारे शेर और मेरे शेर के बीच में लड़ाई कराई जाएगी और अगर तुम्हारा शेर हार गया तो मैं तुम्हें फांसी पर टंगवा दूंगा, मृत्युदंड दे दूंगा। जसवंत सिंह ने कहा ठीक है। एक दिन निश्चित किया गया। जो दिन निश्चित किया गया था बड़े पिंजरे में जिसमें लड़ाई कराई जानी संभव थी, उस पिंजरे में औरंगजेब के सिंह को, शेर को डाला गया। जसवंत सिंह आ रहे हैं अपने 13 साल के बेटे के साथ। उनके बेटे का नाम था पृथ्वी सिंह। अपने 13 साल के बेटे पृथ्वी सिंह के साथ में जसवंत सिंह आते हैं, उसके हाथ पकड़ करके लेकर आ रहे हैं। औरंगजेब ने कहा कि तुम तो शेर को लेके आने वाले थे, क्या हुआ? जसवंत सिंह ने कहा कि यही तो मेरा शेर है, अपने 13 साल के बेटे को। आज 13 साल की अवस्था में अपनी माएँ अपने बच्चों को छिपकली से डराती है और बच्चों को क्या माँ भी डरती है? छोटे छोटे जानवरों से, छोटे छोटे प्राणियों से डराते हैं। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर कहते हैं कि बेटा वहाँ पे मत जाना, वहाँ पर भूत है, वहाँ पर बाबा है जो तुम्हें मारेगा, तुम्हें ले जाएगा, उस जगह पे तुम्हें नहीं जाना है, ऐसे कहकर के बच्चों को डराते हैं। यहाँ जसवंत सिंह है बब्बर शेर से लड़ाने के लिए अपने 13 साल के बेटे को लेकर के गए। अब औरंगजेब मुस्कुराया कि बेटा भी जाएगा और बेटा हार जाएगा तो बाप भी जाएगा। अब पृथ्वी सिंह को पिंजरे के अंदर डाल दिया गया, पिंजरा बाहर से बंद कर दिया गया। अब शेर की आदत होती है शिकार में झपट्टा मारने से पहले वो 2 कदम पीछे हटता है और थोड़ा सा अपने शरीर को झुकाता है ताकि वो तेजी से आगे झपट्टा मार सके। शेर पीछे हटा झपट्टा मारने के लिए तो पृथ्वी सिंह ने अपना तलवार बाहर निकाल लिया। जैसे तलवार बाहर निकाली म्यान से जसवंत सिंह क्या कह रहे हैं, बेटा तू कैसा बहादुर है, शेर निहत्था है और तू हथियार के साथ लड़ रहा है। उन्होंने तलवार भी फेंक दिया पृथ्वी सिंह ने। अब जैसे ही शेर ने दहाड़ लगाई और मुंह खोल करके पृथ्वी सिंह की तरफ झपट्टा मारा, पृथ्वी सिंह ने अपने दोनों हाथ से शेर के दोनों जबड़ों को, ऊपर के जबड़े को एक हाथ से, नीचे के जबड़े को एक हाथ से पकड़ा और फिर अपनी ताकत लगा करके ऐसे फाड़ा जैसे कोई ताकतवर व्यक्ति पुराने कपड़े को 2 फाड़ कर देता है, 2 टुकड़े कर देता है। शेर के जबड़े को उन्होंने तोड़ दिया। जसवंत सिंह के बेटे की उस बहादुरी को देख करके, पृथ्वी सिंह की बहादुरी को देख करके औरंगजेब सहम गया कि जब 13 साल में इसकी ये हालत है, ये इतना वीर है कि शेर से नहीं डरता है, अपने हाथ से शेर को फाड़ डाला, तो जब ये बड़ा हो जाएगा मेरे सल्तनत के लिए खतरा होगा। और जसवंत सिंह जैसा बहादुर व्यक्ति जिनका पिता हो, अगर ये दोनों बाप बेटे मिल गए भविष्य में बेटे के बड़ा होने के बाद, तो ये मुझे मार डालेगा। इसलिए ये घटना तो अभी पहले हो चुकी है, गोवर्धन जी जा चुके हैं, लेकिन बाद की जो घटना है, वित्तक के अंदर ये वर्णन नहीं है, लेकिन भारतीय इतिहास में ये वर्णन आता है कि उसने, औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कहीं पर युद्ध में भेज दिया कि तुम, कुछ लोग औरंगजेब का विरोध कर रहे थे अपने यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि तुम उन लोगों का विरोध का दमन करने के लिए जाओ। जसवंत सिंह को भेज दिया। इधर पृथ्वी सिंह की धोखे से जहर दे करके हत्या करवा दी। और सोचिए कि जिसका बेटा इतना बहादुर हो तो पिता उससे कितना प्रेम करता हो, कितना लगाव होगा उसके ऊपर, कितना भरोसा होगा। और जिस बेटे के भरोसे में थे उसके मृत्यु की खबर सुन करके जसवंत सिंह से रहा नहीं गया और वो इतने दुखी हो गए कि बीमार पड़ गए और कुछ दिन के बाद में उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। ये वो जसवंत सिंह थे, उनके साथ में औरंगजेब ने ऐसा किया था। लेकिन ये जो घटना है इससे पहले की है। गोवर्धन जी वहाँ पर गए और श्री जी ने उनको जागृत करने के लिए कुछ ज्ञान की बातें सुनकर के पत्र लिखी थी, लिख करके पत्र भेजा था। वहाँ जाकर के देखते हैं तो इनके अंदर परमधाम का कोई अंकुर नहीं है। वीर अवश्य है लेकिन धार्मिक भावना इनके अंदर नहीं है। इनका पूरा का पूरा ध्यान खाने पीने में है, मतलब शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने में और व्यायाम करने में, दंड बैठक में लगाने में है। तो उन्होंने सोचा इनके अंदर परमधाम की आत्मा नहीं है, तो वहाँ से वापस लौट गए
गोवर्धन जी। उधर श्री जी 4 महीने तक मेरता में रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि टहलते हुए बाहर निकले थे, तो ऐसे में मीनार पर चढ़ करके वहाँ के मुल्ला ने बांग दिया, कलमा कहा, और कलमा में क्या कहते हैं, ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलिल्लाह, ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलिल्लाह। इसका अर्थ क्या होता है, शब्द अलग अलग करके कहते, ऊपर चढ़ कलमा कहिया, ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह तिनकी एक खबर कहे अल्लाह। अब इसका अर्थ बताते हुए कहते हैं, ला तो नाही को कहिया, ला का अर्थ होता है नहीं और इलाह का मतलब होता है सत्य है, और इल्लल्लाह का मतलब होता है जो इल्लाह से भी परे, ला इल्लाह और इल्लल्लाह मतलब उससे भी परे। तो ला मतलब नहीं, अर्थात इस क्षर जगत के लिए कहा गया, ये क्षर जगत नश्वर है, सदा रहने वाला नहीं है, इसलिए इसको ला कहा है। फिर अक्षर और अक्षरातीत, क्षर अक्षर और अक्षरातीत की बात है तो श्री जी कहते हैं, ए अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजरक, ला तो नाही को कहिया, इलाह तो है हक, ए अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजरक। और फिर कहते हैं कि ये तो देवचंद्र जी ने पहले ही बात कह दी थी कि इनके अंदर भी, मुसलमानों में कुरान के अंदर भी हम ब्रह्म सृष्टियों की बातें लिखी गई है, और हम ब्रह्म सृष्टियों के अलावा इस बात का दावा करने वाला कोई नहीं कि इसका अर्थ हम जानते हैं। कुरान के अंदर 12 हरूफ मुक्तियात कही जाती है, जैसे उपनिषदों के अंदर 12 महावाक्य हैं, वैसे कुरान के अंदर 12 हरूफ मुक्तियात हैं, जिनमें से ला इलाह इल्लल्लाह, साद है, गैन है, ऐन है, ऐसे बहुत सारे 12 शब्द हैं जिनका अर्थ कोई भी मुसलमान बिना तारतम्य ज्ञान के ग्रहण नहीं जान सकता। तो श्री जी कहते हैं, दूसरा तो कोई है नहीं, इनका कौन दावा करे बिना हम, कोई भी मुसलमान हमारे अतिरिक्त इस बात का दावा नहीं कर सकता। और मोहम्मद साहब तो निश्चित रूप से कहते हैं, ए तहकीक हमारे कासिद, हम वास्ते ल्याए कलाम, सब खबर हमारी होएगी, ल्याए मोहम्मद अलैहि सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान का ज्ञान हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए लेकर के आए थे। वास्तव में कुरान का ज्ञान हमारे लिए ही है उसमें, और जो कुरान के अंदर बात नहीं लिखी है हकीकत और मारिफत के भेद, वही ज्ञान वाणी के अंदर बताया गया है, मारिफत सागर में है, कयामत नामा में वो बातें बताई गई है। अब यहां तक मेरता में कलमा सुनने से पहले तक सिर्फ श्यामा जी के द्वारा जो ज्ञान प्रकट हुआ था वही ज्ञान चल रहा था, ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं था, दोनों बातों में फर्क है। कई बार सुंदर साथ ये कह देते हैं कि अब तक, इससे पहले तक उनको कुरान का ज्ञान नहीं था लेकिन यहां से कुरान का ज्ञान शुरू हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। कुरान का ज्ञान नहीं था ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे अगर मैं आपसे कोई बात कह दूं, किसी एक व्यक्ति से कोई बात कह दूं, तो वो बात दो लोगों को पता होती है ना, एक जिससे मैंने बात कही है और दूसरा मैं। तो जिस राज्जी ने अक्षर को जो बात कही है उन बातों का पता तो राज्जी को ही है, तो ये आवश्यक नहीं है कि अक्षर ब्रह्म महामती जी के हृदय धाम में विराजमान हो इंद्रावती जी के, और उसके बाद ही कुरान के भेद खुल सके, ऐसा नहीं है। क्योंकि राज्य ने जो बात कही है, राज्य तो इंद्रावती जी के हृदय धाम में विराजमान है ही, लेकिन अब तक ऐसा प्रसंग भी नहीं आया था, कोई किसी मुसलमान की जागृति अब तक होने का कोई प्रसंग नहीं आया, लेकिन आगे अब दिल्ली जाना है तो अब कुरान कतिब पक्ष की चर्चा अब आगे आवश्यक है, इसलिए अक्षर की लीला वहां से शुरुआत होती है। ऐसा नहीं कि अक्षर ब्रह्म ने इंद्रावती जी के हृदय धाम में अब प्रवेश किया और अब इसके बाद ही कुरान का ज्ञान बता पाएंगे, ऐसा नहीं है। क्षमता थी, आवश्यकता नहीं थी, राज्य तो उस स्तन में पहले से ही विराजमान है, अगर कुरान का भेद खोलना चाहते तो वो खोल सकते थे, लेकिन अब तक आवश्यकता नहीं थी, अब आवश्यकता है, इसलिए अक्षर की लीला अब यहाँ से शुरू हुई। कहते हैं, कलमा से हासिल किया लिया मोहम्मद मता इत, मोहम्मद साहब के ज्ञान की यहाँ से शुरुआत हो गई। अब
इसके बाद श्री जी आते हैं और लालदास जी को कहते हैं कि लालदास को कहया आज एक बात पाई तब अरज करी लालदास ने ए हमको देव देखाई। लालदास जी कहते हैं कि आप हमें भी बता दीजिए कि आपने कौन सी बात पाई है। श्री जी ने कहा कलमे की बात सुनाई कि मोहम्मद साहब जो कुरान का ज्ञान लेकर के आए थे उसमें तो तुम्हारे मतलब की बातें हैं, मतलब ब्रह्म सृष्टियों के मतलब की बातें हैं उसमें। और अब कहते हैं इत मोहम्मद सो मिल चले तब अहमद पाया खिताब। अहमद का अर्थ होता है श्रेष्ठ। मोहम्मद साहब की भी लीला अब उस तन से शुरू हो गई तो अब महामती की उनको शोभा मिली। यहां से अब पांचों शक्ति उस हृदय धाम में विराजमान है, इंद्रावती जी के हृदय धाम में। धनी जी को जोश आत्म दुल्हिन नूर हुकम बुद्ध मूल वतन ए पांचों मिल भई महामत वेद कतेबो पहुंची सरर। ये पांच अलग अलग शक्ति यहां से मिली हुई है। अब कुछ सुंदर सात इस प्रसंग से तो नहीं, यहाँ का प्रसंग भी लेते हैं और कुछ सुंदर सात संशय में रहते हैं अभी भी। लगभग 90% सुंदर साथ संशय में है। किस बात के संशय में? कि सुंदर साथ बार बार महामती प्राणनाथ ऐसा सब कहते हैं, जबकि महामती और प्राणनाथ दोनों अलग अलग है। मिहिरराज बहुत सारे सुंदर साथ तो ऐसे हैं जो मिहिरराज जी को ही प्राणनाथ समझ लेते हैं, तभी तो देवचंद्र जी के शिष्य और कृष्ण जी के भक्त कहते हैं ना। अगर हम देवचंद्र जी के शिष्य प्राणनाथ कह रहे हैं इसका मतलब हम मिहिरराज जी को प्राणनाथ कह रहे हैं। तो मिहिरराज में, इंद्रावती में, महामती में और प्राणनाथ में फर्क है। श्रीजी शब्द का अर्थ अलग है, साहेब शब्द का अर्थ अलग है। इन सभी शब्दों के अर्थ को हमें समझना चाहिए और हमें ये भी समझना चाहिए कि मिहिरराज, महामती और प्राणनाथ तीनों अलग अलग है। अधिकतम सुंदर साथ इन तीनों को एक समझने की और दूसरों को भी ऐसा ही समझाने की भूल करते हैं। मिहिरराज तो उस शरीर का नाम है जो शरीर केशव ठाकुर और धनबाई का पुत्र है, जो गोवर्धन जी, उद्धव जी, श्याम जी, सामल्य जी के भाई हैं। वो मिहिरराज का तन है। मिहिरराज अलग हो गए। उस तन के अंदर जो जीव है, और कुछ लोग एक और गलती करते हैं कुछ सुंदर साथ कि मरु का जीव है, मरु का जीव, वो जीव मरु का नहीं है। उस जीव ने एक बार मरु नाम का तन धारण किया था। मरु तो तन का नाम था ना, जीव का नाम तो कोई है ही नहीं। एक बार उस जीव ने मरु का तन धारण किया था तो मरु का जीव कैसे कह सकते हैं? हाँ, लेकिन पहचान कराने के लिए कि मरु के रूप में उस जीव ने एक बार जन्म लिया था इसलिए हम मरु का जीव कह देते हैं। तो वो जीव है एक। शरीर का नाम मिहिरराज है, जीव का कोई नाम नहीं है। उस जीव के ऊपर जो आत्मा बैठी हुई है उस आत्मा को भी रासलीला की भावना से नाम रखा गया है इंद्रावती। और उस इंद्रावती जी के हृदय धाम में जब पांचों शक्ति विराजमान हो जाती है, धनी जी को जोश, राज्य का जोश, ठीक है, आत्म दुल्हिन श्यामा जी, नूर, नूर का अर्थ है अक्षर की सुरता यहां पर, हुकम मतलब राज्य के आवेश का स्वरूप, उसके बाद बुद्ध मूल वतन जागृत बुद्धि, ये पांचों स्वरूप, ये पांचों शक्तियां जब इंद्रावती जी के हृदय धाम में विराजमान हो जाती है अब मेरता में जाकर के, तो अब उनको महामती की शोभा मिली। तो हमें मिहिरराज का अर्थ पता चला, मिहिरराज समझ में आया, इंद्रावती जी समझ में आई परम धाम की निर्मल आत्मा है, और महामती भी समझ में आया कि ये पांचों शक्ति इंद्रावती जी के हृदय धाम में विराजमान होने के बाद उन्हें महामती कहा गया। और प्राणनाथ किसे कहते हैं? प्राणनाथ कहते हैं राज्य को। राज्य इंद्रावती जी के हृदय धाम में विराजमान है तो जब तक पांचवें दिन की लीला चल रही है तब तक उन्हें प्राणनाथ कहा गया। वास्तव में तो मूल स्वरूप को प्राणनाथ कहा जाता है कि दो सुपन ए तीसरा दिखाया प्राणनाथ। आनंद सागर ग्रंथ में कहा प्राण रूपा प्रिया सर्वा तासाम नाथो अक्षरात परह तेनासु ही नामना प्राणनाथो ख्यातः प्रियस्वरः। जो आत्माएं परम धाम में विराजमान है उन ब्रह्म सृष्टियों के प्राण के नाथ को, प्रिय को प्राणनाथ कहा जाता है। किसी संसार का कोई लौकिक नाम है ही नहीं।
तो प्राणनाथ तो राज जी को कहते हैं, प्राणनाथ किसी लौकिक तन का नाम नहीं है। सुंदर साथ ये भूल ना करे, महामति प्राणनाथ कहने की भूल ना करे। महामति इंद्रावती जी की शोभा है और प्राणनाथ राज जी है, दोनों अलग अलग है हकीकत की दृष्टि से। हाँ, मारिफत की दृष्टि में अगर कोई ये कहे अपनी गलत बात को सही साबित करने के लिए कि हम मारिफत की दृष्टि में महामति प्राणनाथ कहते हैं, जहां मारिफत की दृष्टि है वहां तो कहना सुनना शेष रहता ही नहीं कि कौन महामति है, कौन प्राणनाथ है, कौन कहने वाला है, कोई सुनने वाला है, रहता है नहीं। अगर हम बाहर ज्ञान प्रकट कर रहे हैं तो हकीकत की अवस्था में ही ज्ञान का प्रकटीकरण हो रहा है। मारिफत केवल अनुभव का विषय है, वो ज्ञान का प्रकटीकरण का चर्चा का विषय ही नहीं है। इसीलिए हमें इस संसार में इन शब्दों के भेद को भी समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम बार बार महामति प्राणनाथ कह रहे हैं इसका मतलब हम प्राणनाथ जी की महिमा को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। और अगर हम मिहिरराज को प्राणनाथ कह रहे हैं और प्राणनाथ जी को देवचंद्र जी का शिष्य और प्रणामी मत का, प्रणामी संप्रदाय अथवा निजानंद संप्रदाय का प्रचारक कह रहे हैं, तब तो हम प्राणनाथ जी की महिमा को और नीचे निचले स्तर पर ले जा रहे हैं, क्योंकि प्राणनाथ तो स्वयं देवचंद्र जी भी प्राणनाथ है। और जहां तक सवाल है श्री जी का, तो श्री जी भी राज जी को कहते हैं। जो भी सुंदर साथ ये कहते हैं कि श्रीजी शब्द वाणी में नहीं है, हम पहले की चर्चा में कह चुके हैं कि मूल स्वरूप को श्रीजी कहा गया है। श्री श्रीजी ने चरण पसाए जस्या हमची गाए, श्रीजी ना वचन में विचारिया निध लिधि वचनो निसार, लई तारतम अज्वालुसार वल्ली श्रीजी आव्या आवार। तो ऐसे चौपाइयों से श्रीजी शब्द राज्य के लिए है ये पता चलता है। साहेब का अर्थ है मालिक, जो सबका मालिक हो, जो कतेब पक्ष के सभी के लिए साहेब हो उसको साहेब कहा है। हिंदू मत के लिए श्रीजी का मतलब श्री शब्द है, ऐश्वर्य का प्रतीक, जो संपूर्ण ऐश्वर्यों का मालिक हो उसे श्रीजी शब्द से संबोधित किया है। तो श्रीजी, साहेब, प्राणनाथ, राज्जी ये सभी समानार्थक हैं, पर्यायवाची हैं। महामति इंद्रावती जी की शोभा का नाम है। इंद्रावती जी वो आत्मा है जो मिहिर राज जी के अंदर बैठ करके लीला कर रही है। ये सब अलग अलग हैं, इसको एक करके खिचड़ी बनाने का कोई कष्ट ना करें। तो अब यहाँ से महामति जी की लीला शुरू होती है। इत मोहम्मद सो मिल चले, तब अहमद पाया खिताब, ईसा और मोहम्मद मिले मारे दज्जाल सिताब। अब यहाँ से श्यामा जी का ज्ञान अर्थात वेद पक्ष का जो हिंदू पक्ष का ज्ञान है वो तथा आगे कतेब पक्ष का ज्ञान दोनों मिलने के बाद कहते हैं मारे दज्जाल सिताब। दोनों मिल करके वेद कतेब दोनों पक्ष का ज्ञान मिल करके अज्ञानता रूपी दज्जाल, क्योंकि अज्ञानता तो दोनों तरफ है। कतेब के अनुयायियों के अंदर भी अज्ञानता रूपी दज्जाल है, हिंदू धर्म के अनुयायियों के अंदर भी अज्ञानता रूपी दज्जाल है। हाँ, लीला कार्य करने की शैली दोनों में अलग अलग है। एक में अज्ञानता है, अंध परंपरा का वहन कर रहा है, दूसरे में अज्ञानता भी है, अंध परंपरा का वहन भी कर रहा है, लेकिन साथ में उसके अंदर क्रूरता ऐसी है कि सबको पीड़ा पहुंचा रहा है। इसलिए दज्जाल सबके अंदर है। उस दज्जाल को, अज्ञानता को, जिसको हिंदू कलयुग कहते हैं, जिसको मुसलमान दज्जाल कहते हैं, उसको समाप्त करने के लिए श्यामा जी और अक्षर की सुरता। यह मोहम्मद कहने से हमें ये कह करके घृणा करने की आवश्यकता नहीं कि मोहम्मद शब्द मुसलमानों का है। जिसको हम अक्षर कहते हैं वही मोहम्मद है। मोहम्मद शब्द का अर्थ होता है महिमा से परे। कृष्ण जी के अंदर जो जिस अक्षर की सुरता ने बैठ करके लीला की थी वही अक्षर की सुरता मुस्तफा के तन में बैठ करके लीला करती है, और उसी सुरता को मोहम्मद कहा गया है। मोहम्मद का मतलब है जिसकी महिमा का वर्णन यहाँ के शब्दों में नहीं किया जा सकता। मोहम्मद मुसलमान नहीं है, हाँ उनके अनुयायी अपने आप को मुसलमान कहते हैं। गौतम बुद्ध बौद्धिस्ट नहीं थे, बुद्ध के अनुयायी बौद्धिस्ट हुए। ईसा मसीह ईसाई नहीं थे, उनके अनुयायी ईसाई हैं। हमें इन बातों को समझना चाहिए। अब आगे किस तरह से दोनों पक्ष का ज्ञान मिलने के बाद, अब वेद कतेब दोनों पक्ष के मिलने के बाद जागनी किस तरह से फैलती है, कैसे औरंगजेब को जगाने का प्रयास किया जाता है। मेरता से चल करके दिल्ली पहुंचने के बाद
अब औरंगजेब को जगाने का प्रयास कैसे किया जाता है, उसमें शुरुआती दौर में असफल होते हैं, असफल होने के बाद किस तरह से अलग अलग प्रकार के उपाय अपनाते हैं, उन सब की लीला का वर्णन सुनेंगे हम कल। अब समय पूरा होता है, चौपाई दो रहिए। इत मोहम्मद सो मिल चले, तब अहमद पाया खिताब, ईसा और मोहम्मद मिले, मारे दज्जाल सिताब, मारे दज्जाल सिताब। बोलो श्री प्राण नमः।